कर सके किसे विचार थे और जान अथेली पर थी चकोटे पर चले जाओ किस तरह से नंबर एक पर क्या बता बोला भाई सुरेश पहलवान जी 100 रुपए से मान सम्मान हौसला अफजाई कर साहब रेलवे पुलिस 100 रुपए से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद छात पर चढ़ के जो हॉल था उसमें का जगह देखी चौड़ी नहीं भाई चुपचाप उड़ो चढ़ कर नू देख ली के भाई छीड़ किस है उस छीड़ पर कार्रवाई करनी थी क्योंकि 10 सत बैठाना उसका काम था क्या विचार है क्या बता नंबर दो पे
नहीं मारना चाया उस चन कोई रंग जान हथेड़ी पैदर के बस था चेतावन आया जान हथेड़ी रठाया धुमा चारो ओ मर गे माचा सोर व्यक्ता प्रजा जब भगवान ने याद करा कर आदमी एक बात लकड़ी उनके मुंह ते के लकड़ी धुमा ठाया चारों ओर मर गे माचा सोर ओ माई गॉड पुकारा रे भगत सिंह ने कोई तो दुलारा ऐसा आया जिसने दुश्मन ने न्यू बता दिया कि भाई हम भी जीवे इस तरह से नंबर चार पर क्या कारण आजाद सिंह कह मन की भारत की आत्मा खिल गई अंग्रेजा के खोप देख के शांति सी मिल गई रगल गी फेर हथ कड़ी आथी राजगुरु और सुखदेव के साथ रगल गी फेर हथ कड़ी हाथ राजगुरु और सुखदेव के साथ वो फांसी तोड़ा बेचारा रे भगत सिंह ने अंग्रेजा चुड़िया पर छोटी शिक्षा भी थी इसमें के था अठे का सारा छोरा ऊत सारी बदवावे ना जूते ओ जाजी ने खड़ो रे तेरी लंडी कुर्ती दिखाया तो वो सुदामा कृष्ण भगवान के पास कुछ दिन रहे और एक दिन कहने लगे कि भाई कृष्ण जी घर जाने जी कर रहा है नु बोला रे के बात नु बोला भाई बालक याद आ गए और टोटल के बालक घने याद आकर नु बोला बस जाऊंगा बड़ी ऐसी खुशी से कृष्ण जी ने सुदामा को विदा किया जाकर जड़ झोपड़ी थी और देखने लगे के महल खड़ा और वो मिश्रानी अटारी पर खड़ी सोचने लग गया कि वारा कृष्ण जी देखी तेरी यारी कुछ लेन देन न था नहीं या मिश्रानी धीरे झोपड़ी थी और खोज ली आवाज लगाता है केरा चटकी किसकी अटारी नीचा आ जा सजनी वो मिश्रानी कहती है महाराज नीचा क्यों आ जा क्यों नू बोली आ जा तेरा है घर सही हो नू बोला रे नू क्यों करे के विश्वकर्मा आया था और नु कथा के श्री कृष्ण भगवान ने नु कही के भाई सुदामा का ऐसा महल बना दे बस दुनिया देखती रह जा वो सुदामा की आंखों में एक दिन खुशी के आंसू आ जाते हैं
और अपनी यारी को याद करके मिश्रानी के सामने एक बात के द्वारा क्या कहता है क्या बता बता। ए रे यारी खूबी नंबाई यारी खूब नंबाई मेरे यारी खूब नंबाई यार मेरे घर सन काले ने सब कुछ दे दिया तन मांगे उस मुरली आले ने सब कुछ दे दिया तन मांगे उस मुरली आले ने मेरे यारी खूब नंबाई मेरे यारी खूब नंबाई मेरे यारी खूब नंबाई यार मेरे घर सन काले ने रानी जब तन जान की कही मेरा बहुत घना छो उठा था पर मने नू जान नहीं थी कि तू इस अगत ने पहचाने है। हे विपुर जी कैसे तारीफ करते हैं सुदामा उस मिश्रानी की क्या कहा नंबर एक पे मिश्रानी तन कही जान की मैं बहुत घना ना क्या था तू इसी अगत पहचाने से जब ना बेरा पा क्या था भी बहुत उठा मेरे क्यों नुबला प्यार इतना दिखा दिया मांगन का तो जकरा नहीं कर पाया लेकिन धन्य है वो कृष्ण भगवान धन्य है उसकी यारी कन्हे कहे सब कुछ कर दिया कैसे क्या बताया Yeah.
जब उड़े तो चालन की कही इतना राजी हो गया जानो सुदामा के मन की कर रखी है। लेकिन मन नहीं पता था मन तो अपने मन मन में के क्या सोची अकबर इसने के कहूँ यार कहूँ के मोर कहूँ कैसे क्या कहानी बनी नंबर तीन पर क्या बता बोला मानता हूं कि अनजाने में मैंने उस परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं करा नू सोच लिया कि भाई क्या है का यार नहीं है यो। लेकिन मेरी भी गलती नहीं क्यों नू बोला किसकी पेश चाल सके है कैसे नंबर चार पर क्या बता बोला सिंह था डेरा के पता बेसाल जा किसकी रे याद सिंह था डेरा के पता बेसाल जा किसकी के पेरा माया तारी तक मौज बना के सूती उठी चोगर दिन देखा कि पियाजी पास में नहीं है। दिल्ली के सौदागर आए गेरू में वस्त्र रंग के बगमा बाना बना लिया और जहाज में बैठ के दिल्ली आ गई। सेठ ताराचंद मिले और एक कांगनी साधु के भेष में उसको सौंप के कहा कि हे बच्चा पहला काम यह करना इस कांगनी को गिरवी रख के अपने बेटे को छुटवा के लाना। अब वो सेठ ताराचंद वापिस हापुड़ गए और अपने लड़के चंद्रगुप्त को लेके जब घर आए तो धर्ममाल की साधु के वेश में पहले चौबारे में बैठी और ये कहा था कि जब आपका बेटा आवे सबसे पहले मेरे दर्शन करने के लिए भेजना। जैसे ही कमरे में बढ़ा एकदम देख के चोर बोर हो जाता है। सोचन लग गया कि रहे देख राम जी ने सोलह दिन लाए जब के तक के कर दिए एकदम से प्रेम में भर के क्या कहता है लड़का चंद्रगुप्त क्या बताऊंगा।
तेरे धन कंगले ने जानू पा गया धन कंगले ने जानू पा गया श्रृंगार कर रखा सेठानी ने किसा श्रृंगार था एकदम तक पार्टी की पार्टी रहेगी किस तरह से क्या कल्पना करी क्या बतावला तेरे फिर शामी खड़ी हूं किस तरह से आरती की तैयारी होती है क्या क्या बोला Thank you.
भीतर प्यार लगोरी परमात्मा के शुक्र मनाते हैं कि हे परमात्मा आज मिला तुझे कैसे क्या लिखा नंबर चार में इस प्रकार का होगा। क्या कहा अपने देश के बारे में किसे विचार सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में जैसा कि हास्य कलाकार भाई झंडू ने बताया कि सपने हर एक इंसान को आते हैं। नेताजी ने कहा कि भाई सपना आता जब इंसान सोया हुआ हो, लेकिन मेरी आंखें वो आंखें हैं जो जागती जागती खुली आंखों से सपना देखती, और जो उस सपने में दिखाई देता है वो मेरे को मंजूर नहीं। क्या दिखाई देता है सपने में, क्या बता रहा मेरे पे गुलाम भारत मा देखी ना जा मेरे पे गुलाम भारत मा सपना में दिखे से सुबह शाम भारत मा पाया में बेड़ी मा के हाथा में हथकड़ी जैसे कसाया ने कोए गऊ हो पकड़ी
बड़ी कोमल मुखड़ा दिखे से उदास माता का, टूटता सा दिखे जैसे सास माता का, रोव जार जार दुखा नहीं ठिकाना से, तारे बैठी रानी दासी आला बना से। आजाद कराना से या तो मारू मैं दुश्मन को या खुद मर जाना से। झाड़ोदा निवासी आदियाई अंग्रेजों ने हमारी कैसी नाक काटी, कैसी बेइज्जती करी और हम कैसे सहन कर गए, क्या कह रहा है? आए थे व्यापारी बनकर देश में गोरे, आए थे व्यापारी बनकर देश में गोरे, आज बैठे अकमयाले देश में गोरे, 1857 में चाले पाड़ गए, कटी हिंद की नाक दुल्मी नक्शे झाड़ गए, बहु और बेटियां की इज्जत लूट ली, करे कति लाचार मारी किस्मत फूट ली, शर्म भी शर्मा जा मारा के शर्माना से, इस तरह अच्छा तो या दुनिया छोड़ जाना से। संतराम जान को लेकिन के करके के सोना चांदी लाल किले का बार देश तक होया, रयो देश हमारा इन अंग्रेजों ने खोया, कहां गया वो सोने की चिड़िया वाला भारत, क्या कहा नंबर तीन पे वाला। जुल्म ने मरगी जासी की रानी, देख के जुल्म ने मरगी जासी की रानी, मर के गेला बहुत ना जा भूली कुर्बानी, बिना परला चार मेरी सोने की चिड़िया, रोवाया सुडार मेरी सोने की चिड़िया, घायल कर बेहाल कर दी सोने की चिड़िया, लूट के कंगाल कर दी सोने की चिड़िया, इसके जख्मा के ऊपर इब मरम लाना से, जिसने यह तड़फाई मन ने वो तड़फाना से। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा, आज के दिन इस 23 जनवरी के दिन ही सिर्फ नहीं, हर एक दिन को जिसके अंदर देशभक्ति का जज्बा है, जरा सा भी देश प्रेम है शरीर के एक रूम के अंदर भी, वो रोजाना ये कहता है, क्या कहता है नंबर चार भाई। Thank you.
हर भारतवासी करता सलाम बोस को, हर भारतवासी करता सलाम बोस को, हाथ जोड़ के करते सब प्रणाम बोस को, भूला नहीं जागा कदे काम बोस का, लहरा के तिरंगा रखता नाम बोस का, भारत ने आजादी देगी हिम्मत बोस की, आजाद सिंह ना ला सकता कोई कीमत बोस की, अशकों के फूलों का हार भेंट चढ़ाना से, खंडे यारे कयो देशभक्ति गाना से। इनकार कर दिया कि भाई सुई की नोक तक इतनी धरती भी पांडवों को नहीं देंगे, लड़ाई के आसार हो जाते। युधिष्ठिर ने कहा कि हे कृष्ण जी के करा जा, नुबला भाई एक भाई वहां पर संदेशा पहुंचा दो के तड़के कृष्ण जी शांति दूत बनकर आओगे। हरण काटो सजनों, कैरवों की सभा में जब वो दूत संदेश लेकर पहुंचा तो दुर्योधन खड़े होकर कह लगा कि तड़के कृष्ण हमारे दरबार में आवेगा ना, उसने खरी खरी सुनाऊंगा, पहले बता दियो। सजन उसी समय भीष्म पिता में अपना आसन छोड़कर उठे और कहा कि हे धृतराष्ट्र, कल देवकी नंदन यहां आएंगे, उसकी शान के खिलाफ जो दुर्योधन ने एक शब्द भी बोला तो यह समझ लेना कि तेरा बड़ा बेटा दुनिया में नहीं। सजनो कृष्ण जी दरबार में हाजिर हो जाते, दुर्योधन ने उठ के कुछ कहना चाहे, अनुबोला के दुर्योधन क्या बात के खरी खरी कहूंगा, अनुबोला तने न्यू ना बेरा खरे आदमी किसे हो, खरी बात क्यों है और भाईचारा किसे कहते हैं। वहां पर कृष्ण जी एक संदेश देते, क्या कह बोला, अरे आदमी मुंह पे कह दे बटड़ा नहीं करते, सिंह दौड़ निवासी 50 रुपए से मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद। इस संसार में आदमी आया कुछ कर्म इसे हो है जिन आदमी सब कुछ पाले, और कुछ कर्म इसे हो है पुरानी मिली मिलाई चीज पर भी माटी फेर दे। कौन से कर्म बताए, इज्जत मान पुत्र धन मिल जा, इज्जत मानी पुत्र धन मिल जा, कर्म के छटे ते गृहस्थी जन्म सफल हो जासे, अतिथि डाटे ते कुल की शान खत्म हो जासे,
कुण बेके पाटे ते देखे घर वाली का धर्म बिगड़ जा भूखे में नाटे ते अरे भाई का गल कटे ते कुछ बड़ा नहीं करते देखे भाई ने बहुत बढ़िया बात सुनाई। हमारी बात भी इसी इतिहास से कि जब महाभारत की लड़ाई समाप्त हो जाती है पांडव हार जीत जाते हैं और कौरव हार जाते हैं। कृष्ण भगवान महल के अंदर गए वह रुक्मण पूछन लागी। रुक्मण बोली श्री कृष्ण से मैंने महाभारत का हाल बता सात जीतगी ग्यारह हारी कैसे हुआ कमाल बता। के पांडवों के पास में सात अक्षौणी दल फौज थी और कौरवों के पास में ग्यारह अक्षौणी दल फौज थी। कौरवों के साथ में भीष्म पितामह गुरु द्रोण दुशासन अश्वत्थामा कर्ण अनेक ऐसे वीर थे जिनकी मृत्यु भी निश्चित नहीं थी। वो कैसे हारे कहती है कि भीष्म पितामह की रण में हार नहीं होनी थी क्योंकि सेनापति भीष्म के धोरे ग्यारह अक्षौणी थी। सात और ग्यारह में फर्क घना जैसे संख्या दूनी थी। गंधारी का एक बड़ा बेटा जो देश की धर थूनी थी जिसकी चाल तंदरती दल क्या करती वह कड़े बिगड़गी चाल बता सात जीत की ग्यारह हारी कैसे हुआ कमाल। कर्ण कवारी कुंती आला सूरवीर चाला था उसके कवच और कुंडल अंदर ले गया न तकुण मारन आला था। छाती के बाण पीठ में लग गए कानून भी काला था उस विजय पति के रथ पर दिख को छलिया गढ़वाला था। नत धर्म क्षेत्र उस कुरुक्षेत्र में बनी चौकर गलत में साल बता सात जीत की ग्यारह हारी कैसे हुआ कमाल। गुरु द्रोण ते सा जलाता सर दोनों का पुचकारिया और गुरु द्रोण की विद्या से होया अर्जुन मथन मारणिया। दई दक्षिणा पाप का शस्त्र बिना खोट सर तारणिया मेरे स्वामी ओ अर्जुन भी हो गया धर्म ने हारणिया। नत दादा भीष्म गुरु द्रोण के चौकर लागे बहाल बता सात जीत की ग्यारह हारी कैसे हुआ कमाल। मामा सुकनी और सुशर्मा छलबल के पूरे थे अड़ी भीड़ ने ओट नाले वे सूरा के सूरे थे। महाभारत में कट के मर के उड़ किसके धन खूरे थे लक्ष्मी चंद गुरु के धोरे मांगे राम जमूरे थे। तू ते बैठ पलंग पर महावा करूंगी मन खुश होकर नंदलाल बता सात जीत की ग्यारह हारी कैसे हुआ कमाल। अब कृष्ण महाराज उस रुक्मण को बताते हैं कि कैसे हारे क्या काबला। रे तेरी वीर की जात रे रुक्मण या मरता की कहानी से और जामन मरने कर्म का फलिया कृष्ण की वाणी से बारे में बताता कि जब दुशासन द्रौपदी के केस पकड़ के सभा के अंदर ले आया बेचारी दादा दादा की आवाज लगाती रही। उस भीष्म ने बोल तो बरजा नहीं बल्कि पीठ भी ना फेरी कर्म से गिरा क्या हुआ
विषमकर्मी भूल गया था तू सुन ले रुक्मणी मेरी सभा जोड़ के पांडवा की उसे दुर्योधन ने गेरी वे दादा दादा गुरु द्रोण उन्हें मारी बोल भतेरी वे बोल बरजना ते दूर रहा उन्हें पीठ तलकना फेरी पीठ तलकना फेरी ओ कर्म खा गया उस भी समने कर्म खा गया उस भी समने जो कर्म नफा हानि शरारती गणा छोटी घर के सोची ब्याह कर दो सुधर जाओ उसके है बदला सदला कर कर लपेट दिया बदले में होने लागे अंडर मैट्रिक ब्याह ना होने दे छह महीने ठीक रहा जुकरियो चूड़िया हा उठा नुए उसका मन में चूड़िया हा फिर उठा दूसरे पन्नम जाके खेडा कर दिया और खेडा भी सा गर्म कर दिया चीनी पहलवान वर्ग के बाट देखे छह साथे कून खेडा करे कड़ा ही करे पकड़ कर बांध लिया आपस में बतलाए इसने जानते मारे के बेइज्जती करे एक समझदार हानु बोला रहा जानते मत मारो बिरानी जाए किसी की दुख पाओगी ससुराई बेइज्जती कर लो शर्म तो मर जाएगा फिर शर्म कितनी थी काला मुंह कर दिया खोसड़े की माला गाल दी गदे पे बैठा लिया गम में ला गया डाण गनखरे गम में हांड कर उस गाल में आ गया जो सिमोन का घर था वीरबानी छा तब खड़ी उसकी बहू भी खड़ी पहचान है किसका जलूस है काला मुंह हो रहा वारी पहचान में आया अको हो असली है माथे माथ मारा क्यों कर जीवेगा क्यों कर मेरी गल आंख में लाओगा और शेर का बच्चा गदे पे बैठे बैठे के ऊपर हनंग आ गई देखा को हो मैडम कल ये मरने बैठी है गदे पता रुक का मारा निमला के बात है क्या की कल ये मान रही है फेर दे चाचा डाले दो गाल दे रही मतलब यू आया दो गाल छोड़ रखी है उन में कभी पार होने ना हो रहे हैं नंबर दो पे जोड़ी किसी हो और आंगे मिलाने लगे तो वह जोड़ी मिलना कौन है और मर्द के जुम्मे की दो तीन चीज बताई बिना मर्दों में थम्बिया नहीं करती क्या लिखा ना मर्दों में बोला तीनों चीजी मर्द बिल सुनी तीनों चीज मरत बिल सुनी धरती बीरोर गोड़ी दुनिया के मर मिलती ना कद्य कागजंश की जोड़ी जो अपनी आप बटाई कर दे उनकी इज्जत थोड़ी न बोला देखे कटर बरी रड़के रात में जड़ू आंख में रोड़ी दिल्ला के माँ लाल करोड़ी दिल्ला के माँ लाल करोड़ी कचरा ले नहीं करते
भाई संतरा करण का जिक्र करता नवला, पहली बात तो उस कुंती की गलती रही कि उन पांडवों को बता नहीं कि ये थारा भाई से। दूसरी बात फिर जिस समय चक्रव्यूह के अंदर उस अभिमन्यु को घेरा गया था कई वीरों के द्वारा, बेचारे ने पानी मांगा आखिरी समय पर, पानी नहीं दिया और वही पानी पृथ्वी में मिलके वहां पर दलदल पैदा की, करण का हारत धस गया, फिर अर्जुन ने बाण मारी। क्या कहा? ओए अर्जुन ओए अर्जुन ओरे करण कुंती के माजाए भाई थे, अनजाने में डान डूब दी दोनों दो राही थे। वे अभिमन्यु ने पानी मंगा और सारे अन्यायी थे, पाप के कारण नष्ट हुए दो कोटक लेखाई थे। बातल तल अड़की करण कया के, तल तल अड़की करण कया के, जो अन्य का पानी से भगत बताया, हर एक चीज को, हर एक जीव को भगत बताया। एक राजा भी भगत होता है। राजा की भक्ति कब सफल होती है? और असली भाई कौन होता है? जो भाई के विचारा ते तंग ना हो, भाई की तरक्की ते जड़ता ना हो, वो भाई हो अनुबल है दुर्योधन। उनको देख, वो तेरे बल तेरे पराक्रम की बुराई नहीं करते, बड़ाई करते। और राजा को ऐसा होना चाहिए, जैसे बर्फ के अंदर पत्थर, बर्फ पिघल जाएगी पर पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ा करता। किस तरह से नंबर तीन पे क्या लिखा बोला? जब सारी प्रजा सुख भोगे, सारी प्रजा सुख भोगे, वो भक्ति सफल नरप की ज्योति स्टेप बनावण खाचर ओसे पकड़ हरप की। पांडव रोज बटाई करते दुर्योधन तेरी तरफ की, जो मिल कर दगा करे प्यार ये ते वो भोगे गति सर्प की। जैसे पत्थर सहित बर्फ की राजा, पत्थर सहित कभी कड़ा नहीं करते, जी
जगरूप सराय से ही था। क्यों होना था कि दुर्योधन बचपन से ही अभिमानी था। अभिमान करनिया अंत समय पछताया। क्या कहा क्या कहा? दुर्योधन की चाल कुबड़ी कदे ते पड़री थी जिसने कचा खान की खातिर घड़ी घड़ी गणरी थी। वे आपस के मां पैर भावना गट्टा ढाल तनरी थी। वा गंधारी अनपूती होगी जो गढ़ा पूत जनरी थी। पंडितों के शिष्य आमना से कोई बात गाइए का दखनी अनूप जरूर पाया कि भाई अमेर सिंह की कोना। लेकिन जब से जाट मेहर सिंह समिति बरौना बनी उसने किताब छापी हमारे पास एक प्रमाण हो गया। उस मत पढ़ का जो भी बात गाई जाए किसी का पढ़को तो बाउडा समिति वाला ने बूझ लियो। अपने हिसाब के बोल लगाता नारे दिखा करते के उस मानस के बोल ठाडा किसाओ है। जान जोटे में भी बतेरी हो है लेकिन असली ठाडा वो है जो इन्हें मानस ने देख कर चल रहे। वो ठाडा कौन है आजकल इसे मर्द रह रहे हैं। रात में कंपटीशन हो अगली रागनी बैठे ऊपर ली न मेर सिंह की होनी चाहिए। या तो सुन ले वो आनंद चाचा जी फिर बैठी बैठी ना उन कन्या ने बाई होगी कितने पाद मार दिया। पंडित जी ने सोची ये जनेती सुनो उड़ा जाके बताऊंगे लोग भाई पता है कि हंसी बहुत करेंगे। नहीं बोले हो बड़े शुभ लक्षण शुभ मुहूर्त शुभ काम हुए नौ में भी न छोरा होगा। इब छोरी ने सोची किया तो बहुत बढ़िया सोन सपात्र की बात बताई। ऐसे ही पंडित जी तो रजा के कान मन बोली दादा एक और मार दू। नहीं बोला पेट चौथ की पहले ढंग तो खिला ले याद सुन ले। नंबर चार किसे हो ठाडे आजकल के ठाडे बताऊंगा। कंपटीशन हो रहा हो रात का कामर विनू चौधरी पर की आजा पासी पर की आजा मानस न खड़े नहीं होते गणिया बजनिया डले मार देंगे रात नहीं से मर्द रह रहे हैं। लेकिन असली मर्द किसा है और किसे कर्म हो है क्या लिखा नंबर चार पर जाट मेहर सिंह ने बताया। कर्मा के अनुसार करें कर्मा के अनुसार करें सब अपने धंधे में किसे की जन्नत महंगी डक जा कोई रोवे मंदे में बड़े बड़े मोए दुनिया में माया के प
फंदे ने कह जाट मेर सिंह वो मालिक दो नेत्र दे अंधे ने अपने ते हीरे बंदे ने अपने ते कद चलिया नहीं करते ओ समीर इस्तमाज